Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. Choti Si Zindagi. बेटा ये तो सीरत की किताब है, ठीक है, इसे पढ़ना। और ये है किताब आदाब-ए-ज़िंदगी, बहुत अच्छी किताब है, इसे रोजाना पढ़ना है। और तुम्हें पता है ये किसने लिखी है? दादा जानते, जानता शाबाश पता है तुम्हें, और कुरान पाक लाया था मैं तर्जुमे वाला। जी जी रख लिया भाई। शाबाश शाबाश। अब्बा जी मैं इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेंगे या ये किताबें पढ़ेंगे? अरे बेटा क्यों नहीं पढ़ेगा इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग की किताबें इसकी दुनिया और मुस्तकबिल संवारेंगी, और ये किताबें मेरे बेटे की आखिरत संवारेंगी, है ना? अम्मा अब बस भी करें ना। क्या हो गया है सकीना, रोना बंद करो। बेटा कोई जंग पे थोड़ी जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। पहली बार अपने से जुदा कर रही हूँ ना, रोना तो आएगा ही ना। अरे भाई इसी मुल्क में है, सिर्फ शहर जा रहा है पढ़ने के लिए, छुट्टियों में आया करेगा। अम्मा 4 साल ही की तो बात है। अरे बेटा इतना बड़ा शहर है, रोशनियों वाला शहर, वहाँ जाके भी भला कोई पलटता है वापस? हाँ, और अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो और मुश्किल। नहीं ऐसा हरगिज नहीं होगा सकीना, तुम फिक्र ना करो, हमारी तरबियत और बाप दादा के खून का असर इसे वापस लाएगा। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं। देखा भाई, अम्मा को भी आपको भेजने की जल्दी है, ऐसे ही रोनी थी। अच्छा बेटा मैं टांगे में बाकी का सामान रखवाता हूँ, तो माँ से मिलो, बहनों से मिलो, सामान उठाओ और जल्दी से आओ। मैं भी आया। ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरा बैग कहाँ रह गया बेटा? अरे जल्दी आ जाओ। ठीक है शाबाश शाबाश। भाई जरूर लिखना। हाँ हाँ जरूर लिखूंगा। हाँ भाई खत लिखना, आदाबे जिंदगी पढ़ना, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना। ये खुश है तुम बाज नहीं आओगी। मेरी प्यारी अम्मा। बेटा अपना ख्याल रखना, और वहां पहुंचते ना मुझे अपनी खैरियत की इतना जरूर देना। जरूर तुम आप सभी आ जल्दी आ जाओ बेटा। जी अब्बा जी आया। खाना तैयार है। वो बोल रही हूँ ना खाना तैयार है, कपड़े बदल लो। भूख तो अभी लग रही है ना। एक तो तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो, जाओ जाके मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो, और देखो फरी क्या कर रही है, स्कूल से आके बैठ गई होगी वैसे ही, उसके भी कपड़े निकालो, जाओ मैं खाना निकालती हूँ। फरी
कराची कौन सा दूर है, मैं अकेला भी जा सकता था। इंटर पास कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ, बच्चा थोड़ी रहा मैं। अगर अब्बा जान को कौन समझाता। कहते हैं भरोसा है अपने बेटे पर, ये कैसा भरोसा है, कराची तक अकेले नहीं भेज सके, वहां मुझे कोई खा जाएगा क्या। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीना, अमीना जल्दी से अपने अब्बा के लिए एक प्याली चाय बना दो। जी जी, मैं कह रही हूँ एक प्याली चाय बना दो। अम्मे फातिमा के यहाँ सब लोग आ गए हैं, मुझे बहुत देर हो गई है पहले ही। अरे एक प्याली चाय बनाने में कितनी देर लगती है। जाने दो भाई, मैं जरा चाय ठहर के पी लूंगा। अब्बा मैं बस 5 मिनट में आई, फिर मैं आपको चाय बना दूंगी। 5 मिनट में आई, हर वक्त बच्ची बनी रहती है, 2 घंटे लगाएगी ये, आपको कह के गई है ना 5 मिनट में आएगी। अरे बच्ची तो है अभी, ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है। नवी में जा रही है, जब मैं इसके बराबर थी तो मेरी शादी हो गई थी, पूरा भरा पूरा ससुराल संभाला था मैंने। जुबैदा वो जमाना और था, अब कहाँ इस उम्र में शादियाँ होती है। रहने दे, हो जाती है। मैं तो सोच रही हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं, शादी नहीं मगर मंगनी जरूर कर दो मैं इसकी। ऐसी बातें कर रही हो जुबैदा, अभी तो उसे कोई अकल समझ ही नहीं है। वक्त के साथ साथ आ जाती है अकल। अब ये भी सोचे, परी भी तो है इसके बाद, देखते देखते वो भी कद निकाल लेगी। कहती तो तुम ठीक हो, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो हमेशा ही दुआ करती रहती हूँ, जैसे मेरा और कोई काम ही नहीं है। अच्छा तुम अभी एक दूसरा काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे तुम्ही ने तो कहा था 2 घंटे के बाद आएगी वो, इसलिए कह रहा हूँ। बनाती हूँ। अच्छा तो मखलूक तालीम है बेटा, ये कैसा जमाना आ गया है। अब्बा जी जमाना बदल गया है। बेटा जमाना जितना भी बदल गया हो, तुमने अपना ख्याल रखना है उर्वा बेटा, जमाने की रौ में बह नहीं जाना। जी अब्बा जी। और हमेशा याद रखना है बेटा कि तुम किस खानदान से, तुम्हारे बाप दादा का ताल्लुक किस खानदान से, तुम्हारी कदरें और रिवायतें क्या हैं, और फिर सबसे बढ़कर बेटा ये कि तुम पर अपनी बहनों की जिम्मेदारी भी है। मैंने निजामी साहब से बात की है, निजामी अंकल को तो जानते हो ना तुम। जी। वो आया करेंगे तुम्हारे पास तुम्हारी खैर खबर लेने, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो
तो उनसे तुमने कह देना, ठीक है? जी अब्बा जी। तो अब मेरा ख्याल है तुम्हारे हॉस्टल की तरफ चलें। चलें। वहां भी देखें क्या हाल है, हैं? आज आठ नंबर यही है, चलो यही तुम्हारा कमरा, शाबाश, ले चलो सामान अंदर। ये रखो बेटा, फिर बात सुना मेरी। आ जाओ। छे पांच बेटा, मेरी नसीहत याद है ना बेटा, बहुत दिल लगा कर पढ़ना, ठीक है? और नमाज पढ़ते रहना पांचों वक्त की, और बेटा इन खुराफात से बच के रहना, उर्वा समझे ना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। मैं आपको नीचे छोड़ने चलूं अब? मेरे बच्चे नहीं, तुम चलो अपने कमरे में जाओ और मेरी बातों को याद रखना, ठीक है? चलो चलो शाबाश, ये ले लो अपना सामान, ले लो। सकीना बहुत मुबारक हो, मानो कि अब्बा बता रहे थे कि उर्वा शहर पढ़ने गया। हाँ कल ही गया। देखो ना बतूर, कैसे मेरा घर और मेरा दिल सुना कर गया। हाँ कह तो ठीक रही है, इकलौता बेटा इतनी दूर पढ़ने चला जाए तो दिल तो उदास होता ही है ना। मेरा पांजा शहर पढ़ने गया था फिर नहीं आया। क्यों? अरे कॉलेज में एक लड़की के चक्कर में फंस गया, शादी कर ली, वहीं का होकर रह गया। ये शहर की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। या अल्लाह, हाय बतूल, तूने तो मुझे डरा ही दिया। ले इसमें डरने की क्या बात है, अपना उर्वा ऐसा थोड़ी है। पर है? पर क्या, शहर तो शहर ही होता है ना, वहां के लोग, वहां की रौनकें, वहां का माहौल हम छोटे शहर वालों को जकड़ लेता है, फिर दिल नहीं चाहता वापस आने को। पर देखे ना बतूल, लड़का जहाँ नौकरी करेगा ये रहेगा भी तो वही ना। हाँ कहती तो ठीक हो, पर लड़के नौकरी के साथ साथ बीवी भी वहीं की कर लेते हैं, जो उन्हें अपनों से छुड़ा के अपने तक ही कर लेती है। अब मेरे पांजे को ही देख ले, हैं? शादी करके वहीं का होकर रह गया। मेरी बहन तो शक्ल देखने को तरस गई है, हर वक्त उसको याद करती है बेचारी। हाय हाय, अब मैंने हांडी चढ़ाई थी, हैं? जल गई होगी, मैं चलती हूं। तुम्हारा नाम उर्वा जी? अरे यार मैं तभी बोलूं कि मेरे रूम में किसी लड़की को कैसे डाल रहे हैं, बिला वजह मैं इतना एक्साइटेड हो गया था। जी नहीं, मेरा नाम है उर्वा अहमद। हाँ अच्छा ओके, उर्वा अहमद। जनाना नाम नहीं आ रही? नहीं
देखने में तो तुम मर्द ही मालूम होते हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चलो खैर दफा करो, क्या फर्क पड़ता है। मेरा नाम है सोहेल भट्टी जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। इतनी भी क्या जल्दी है यार खुश होने की, थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लो फिर बताना कितनी खुशी हुई। कौन से डिसिप्लिन में हो जी? मैं सिविल इंजीनियर। और आप? 2 साल से जख मार रहा हूं इलेक्ट्रिकल में। नहीं, जिस तरह कनखियों से तुम अपनी भाभियों को देख रहे थे ऐसे तो बच्चे देखते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे पोस्टर्स नहीं देखे? नहीं यार, नहीं यार। अरे चले कोई बात नहीं, अब आप सोहेल भट्टी के रूममेट बन गए तो अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, बहुत सीखने को मिलेगा। चल नीचे चलते हैं, सिगरेट पीते हैं। जी जी प्लीज आइए, कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। आइए आइए। तुम्हारा बेटा है तो समझो मेरा भी बेटा, मैं खबर रखूंगा उसकी और मिलता भी रहूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। निजाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अब मेरी तसल्ली हो गई है, वरना मैं क्या बताऊं, यूनिवर्सिटी का आजादाना माहौल देखकर मैं तो बहुत परेशान हो गया। समाना जो बदल गया फुरकान, अब करें भी तो क्या करें, बच्चों की तालीम में रुकावट तो नहीं बन सकते ना। ये भी तुम सच कहते हो, बहरहाल उर्वा का ख्याल रखना, उससे मिलते रहना। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो और आराम से जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। बस ठीक है अब मैं चलता हूँ, मेरी तसल्ली हो गई तुमसे बात करके। अब तो ट्रेन का वक्त निकल गया है तो देखो कि बस तो मिल ही जाएगी। ठीक है। जनाब ने कभी घर पे काम नहीं किया? हाँ वो घर में सारे काम तो अम्मी और बहनें करती हैं ना। ओह अच्छा अच्छा, तो जनाब उर्वा अहमद साहब भाई, यहाँ तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, अलमारी साफ करना, जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना और तो और बाथरूम भी धोना, क्योंकि यहाँ का जो जमादार है वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता है और अगर आपकी उससे कोई सेटिंग बनी है तो 2 दिन बस। क्या यानी कि बाथरूम भी खुद साफ करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही साफ करेंगे ना, हम इस्तेमाल करेंगे तो हम धोएंगे, सिंपल। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं पीऊंगा तो मैं फिर भी, मैं तो अखलाकन पूछ रहा हूँ क्योंकि कहते हैं पूछ लेना चाहिए। ओ सॉरी। क्यों बुरी बात है? मगर इसको पीना तो बहुत जरूरी है, इससे जहन भी खुलता है कब्ज भी। मैं नहीं पीता। किसके कहने पे छोड़िए? नहीं मैं पीता ही नहीं। सच? सच में मैं नहीं पीता। किसी ने मना किया? अब्बा जी ने। सॉरी। अच्छा अब्बा जी। अच्छा Thank you.
हेलो, न्यू एडमिशन? जी। वाओ, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी। सो किसके रूममेट हो तुम? मैं वो सोहेल के साथ। तो उन लोगों ने तुम्हें सोहेल का रूममेट बना दिया? यू नो बहुत ही बदतमीज इंसान है, चप्पड़ 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 बोलता रहता है। ट्रस्ट मी, तुम एक काम करो, मेरा रूम खाली है, तुम मेरे साथ शिफ्ट क्यों मचा दे? नहीं नहीं मैं नहीं 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 प्लीज 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 बी माई गेस्ट। यू नो बहुत ही बदतमीज इंसान है, बुराइयाँ करता रहता है, नहाता भी नहीं, यू नो सिगरेट भी पीता है, और यू नो इतना नहाता शराब, वो नहाता भी उसके पास क्यों भाई? नरम गरम बड़ी तारीफ कर रहा था मेरी। क्या कह रहा था? सिगरेट पीता है, बदबू आती है, खाता भी नहीं वो। हम तो मजाक कर रहे थे, यू नो हम कुछ और बातें कर रहे थे। लेट्स लाफ गाइस। पहली दफा नहीं पकड़ा मैंने तुझे। तुम हमेशा मुझे देखकर नाराज क्यों हो जाते हो? यू नो तुम्हारा जैसा हैंडसम और गबरू जवान पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इनफैक्ट पूरी यूनिवर्स में नहीं है। हाँ दादा, खबरदार जो सरेआम मुझे चिपकने की कोशिश की तूने। चलो उर्वा कैंटीन चलते चाय पीते। हाँ। और अगर तू पीछे आया ना तेरी सारी नरमी गर्मी निकाल दूंगा मैं। ना सिर्फ हमारे मुल्क के, मैं समझती हूँ जहाँ भी उर्दू समझी जाती है और जहाँ भी शायरी समझी जाती है वहाँ के। उर्वा व्हाट अ गर्लिश नेम, डोंट लाफ। मुझे इट्स अ मियर। या सुहेल, ये लड़का कौन था? लड़का वो तुझे किस एंगल से लड़का लगा यार? उसे लड़का बोल के तू तो लड़कों की तोहिन कर रहा है यार। वैसे इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, 17 बहनों का एक ही भाई है, इसलिए थोड़ा ऐसा। ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, इस पूरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की क्या, हर लड़की उसकी दोस्त है, एक लड़का भी उसका दोस्त नहीं है। और वो नहीं अजरा, उसके साथ तो हर वक्त चिपका रहता है। अजरा कौन? बड़ा आजाद माहौल है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, अल्लाह हमारे उर्वा को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं तो बहुत खौफजदा हो गया हूँ भाई। मुझे भी बतूल ने हौला दिया। बतूल? कौन बतूल? असलम भाई की बीवी। वो क्या कह रही है? वो कह रही थी कि उसका भांजा भी गया था शहर पढ़ने के लिए, वहीं उसने नौकरी कर ली और शादी भी वहीं रचा ली। वो ये भी कह रही थी कि शहर जाकर पढ़ने वाले लड़के कभी वापस लौट कर नहीं आते। लेकिन क्या करें सकीना, आला तालीम के लिए बच्चों को बाहर भेजना तो पड़ेगा, उनके अच्छे मुस्तकबिल को यूं रोक तो नहीं सकते हम। कह तो आप सही रहे, चलो अल्लाह बेहतर करेगा। अरे आप चाय पिए ना। थे आप बताइए आप कहाँ थे, क्लास क्यों नहीं लिया आपने? क्लास? वो निसार ने तो कहा कि सर करी नहीं आया आज। निसार ने कहा तूने मान लिया? हाँ, तो उसको क्या जरूरत है मुझसे झूठ बोलने की? झूठ नहीं, मजाक किया उसने। ये कैसा मजाक है? तो और कैसा मजाक करें आपसे, शुक्र कर छोटा सा मजाक था ये, कुछ और मजाक कर देते ना तो लेने के देने पड़ जाते। अरे नहीं भाई, आज तो मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी।
क्या कहा है डॉक्टर ने? जा जाके पानी लेकर। अरे उसने क्या कहना है, टेस्ट लिख कर दे दिए। हाँ तो दवा तो दी होगी ना? नहीं, कह रहा था टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दवा देगा। तो सोचना क्या है, करवा ले टेस्ट। सुबह करवाऊंगा, उसने बताया निहार मुंह कराने के टेस्ट हैं। खाना लाओ। हाँ ले आओ, थकन सी हो गई है। सोचता हूँ डॉक्टर ने कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो क्या होगा। खैर का कलमा मुंह से निकाले, अल्लाह खैर करेगा। आप फिक्र क्यों करते हैं? फिक्र कैसे ना करूं, बेटा तो कोई है नहीं, बच्चियां हैं, इनकी शादियां भी करनी है और जमा जुत्था कुछ है नहीं। और इसे देखो, अमीना को कैसा कद निकाल लिया है। अल्लाह सबब बनाने वाला है, आप परेशान ना हो, तबीयत और खराब हो जाएगी। तबीयत तो लगता है अब कभी ठीक नहीं होगी, जरा सा चलता हूँ तो सांस फूल जाता है, कलेजा मुंह को आने लगता। अच्छा अभी खाना खा के आराम कर ले, मैं लेके आती हूँ। सोचता हूँ फुरखान भाई को बता दूँ। पहले टेस्ट तो करवा ले, जब रिपोर्ट आएगी तो बता दीजिएगा। क्यों बिला वजह पहले से परेशान हो रहे हैं? हटो। हेलो, आजा आजा आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इनसे मिलिए, ये है उर्वा, बहुत अच्छे, ये मेरे रूममेट भी हैं और मेरे भाई भी हैं। मैं आपको इन सबको इंट्रोडक्शन कराता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको जिम्मी के बारे में बताता हूँ। वैसे तो आप इनसे मिल चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा तो ये शायद बुरा ना मान जाए। ये है जिम्मी, वो डॉगी वाला जिम्मी नहीं, डॉगी मीठे थोड़ी होते, ये तो मीठा है। आओ, क्राई मी आउट बेबी। ये है नगमा, ये इतना खूबसूरत मेरी नगमा है कि आप इनको जब चीज चाहे गुनगुना सकते हैं और ये बुरा भी नहीं मानती। आओ। और ये है ये है फौजिया। फौजिया की तारीफ मैं क्या करूं, इनकी अगर मैंने तारीफ करना शुरू करी तो सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन तारीफ खत्म नहीं। इनके ऊपर मैं किताब भी लिख रहा हूं, किताब का अनुवान है वाओ वाओ द लेडी। वो फैज हैं, वो तैयबा हैं, और ये हैं अजरा। हेलो उर्वा। उर्वा Well, I think it's a cute name, no? वैसे उर्वा, तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। सुनो, अगर तुमने इसे जमाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए जमा दूंगी। पीछा। Nice to meet you, उर्वा। मिला ले यार, हाथ साफ है उसके। Thank you. Well, हम कैंटीन जा रहे हैं, why don't you join us? अरे हाँ, ये हम सबको लंच दे रही है, साथ में चल, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, आप लोग जाएं, मेरी तो क्लास है। क्लास तो हम सब की थी, हमने तो बंक कर लिया। Come on, उर्वा, please. आप लोग जाएं, वैसे भी मेरा कुछ खास खाने का मूड नहीं है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा है, क्या हो गया यार? तुम जैसी इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की इतनी करीब से उसको लंच ऑफर कर रही हो तो हर शरीफ आदमी से पटा जाएगा यार। और तुम भूल गई क्या, एक दफा तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाय पिलाओगी, उस रात को मुझे नींद नहीं आई, सारी रात करवटे बदलता रहा और सो नहीं सका। अच्छा? नहीं मतलब फिर उसके बाद सो गया था मैं, फिर नींद आ गई थी फौरन। एग्जैजरेट ना क्या करो हर बात को। हाँ हम लोग यहीं खड़े रहेंगे क्या, कैंटीन भी जाएंगे? नहीं नहीं, मैं फिर कभी सही, आप लोग जाएं, खुदा हाफिज़। कितना क्यूट है ना ये। हाँ कितना क्यूट है,
एक काम करो तुम उसको गोदी ले दो। That's not funny. मेरे बारे में क्या ख्याल है? से बेहतर है मैं कोई कुत्ता गोद ले लूं। वैसे तेरा मसला समझ गया हूँ। मसला? कौन सा मसला? किसी लड़की ने तुझे धोखा दिया है, तेरा दिल तोड़ा है और दिल टूटने की वजह से तूने अपने किताबों में दिल लगा लिया है ना? भला कोई लड़की मुझे क्यों धोखा देगी? क्या मतलब? तूने जिंदगी में कभी किसी लड़की से दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, मतलब कुछ भी नहीं किया? मैंने तो कभी किसी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप सोच लो, इर्द गिर्द देखो कितनी खूबसूरत हसीनाएं हैं, किसी को भी अपना दीवाना बनाओ, फिर अय्याशी करो, मजे करो, एंजॉय करो। सोहेल मियां, इन सारी चीजों में सिर्फ वक्त जाया होता है और कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप, ये किस लड़के को मेरा रूममेट बना दिया मेरे मालिक। चलो खैर, रात में आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, मेरा ज्यादा देर तक इंतजार मत कीजिएगा, आज मैं नगमा के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। नगमा, नगमा, वाकी अब्बा खैर तो है? बड़े परेशान लग रहे हैं आप। पानी पिलवा दो। जी अच्छा। खुर्शैद, खुर्शैद अब्बा के लिए पानी लाओ बेटा, कुछ बताएं तो। भाई वो मेरा दिल कर रहा था कि इरफान को फोन करूं, उसकी खैरियत दरियाफ्त करूं, काफी दिन से बात नहीं हुई थी, लेकिन वो तो बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? भाई वो बता रहा था कि काफी दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, तो वो अपना आप दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने चेक किया तो कुछ टेस्ट लिख दिए उसे। अब टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो उसमें ज़ियाबतीस तशखीस हुई है उसके लिए। ज़ियाबतीस? ये क्या होता है? ये भाई आमतौर पर इसे शुगर कहते हैं, खून में शुगर की मकदार मोतदिल नहीं रहती, तो उसकी वजह से कई पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, बीनाई पर असर पड़ता है और सबसे बढ़कर दिल पर बहुत असर पड़ता है इसका। बहुत परेशान था वो और उसकी बातों से मैं भी परेशान हो गया। तो फिर अब? फिर क्या कि वो तो उससे तो बात ही नहीं हो रही थी, वो हंसा हो रहा था, कह रहा था कि भाईजान अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह ना करे, अभी इरफान भाई की उम्र ही क्या है, ये तो 5 साल पहले गए थे मुल्तान। अमीना मेरा ख्याल है उस वक्त
ही कोई 11 बरस की थी। अमीना ही बड़ी है ना? हाँ, अमीना ही बड़ी है। देखो, इस दौरान हमें वक्त ही नहीं मिला कि जा सके, उसे देख सके। कभी कोई मसरूफियत निकल आती है, कभी कोई मसरूफियत। अब सकीना, मेरा भी दिल कर रहा है कि उसे जाकर देखूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं मुल्तान चला जाऊं, उसे देखूं, उसे कुछ तसल्ली दूं। हाँ, ये तो बड़ा नेक ख्याल है। बल्कि मैं भी आपके साथ चलूं? ये तो बहुत अच्छा है। तुम बच्चियों को भी तैयार करो, मुजम्मिल और खुर्शैद को। कल ही निकल चलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या बात है, लड़का तो पढ़ता ही चला जा रहा है, पढ़ता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और सबका सब तू पढ़ लेगा तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे यार। कल टेस्ट है ना यार, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और तुम भी कभी कुछ पढ़ लिया करो। पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेंगे। पढ़ाई को सारी उम्र पड़ी है, क्या जल्दी है। अरे भाई, पढ़ाई की यही उम्र होती है। मेरे अब्बा जी कहते हैं बस कर दे यार। तू और तेरे अब्बा के अखवाले जरी पक गया हूं मैं। और तू बड़ा कब होगा भाई? कब से कह रहा हूँ बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। इतनी देर होगी तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। एक बात बता। हाँ कहो। वो नहीं अजरा, अजरा रियाज, पूछ रही थी तेरा। छोटी सी